पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में राप्ती और बूढ़ी राप्ती सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के जलस्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल शक्ति विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को राशन और जरूरत की अन्य चीजों के लगातार वितरण करने के निर्देश दिए। बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए जल शक्ति मंत्री ने प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर राहत कार्यों के निरीक्षण किया तथा आपदा मोचक टीमों को 24 घंटे एक्टिव रहने के साथ प्रभावित लोगों की जरूरत का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ के पूर्व ही पैसा देकर कार्य योजना तैयार की थी, जिसके कारण नेपाल से पानी आने के बाद भी प्रदेश सुरक्षित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा, तो 4 दिनों से बारिश नहीं हुई, हाँ लेकिन फिर भी पानी का फ्लो बढ़ा। इसके बारे में बैठक भी देखते हैं कि कुछ निरीक्षण किए हैं क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार आज हमने गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज देखते हुए गोरखपुर आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बाढ़ बचाव के कार्यों को समय से पहले पैसा दे करके और मानसून आने से पहले बहुत सारे कार्यों को पूरा किया, जिसके कारण से उत्तराखंड और नेपाल से भारी पानी आने के बावजूद भी हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। हम लोगों ने गोंडा की बैठक किया, बलरामपुर किया, सिद्धार्थनगर किया, उसके बाद महाराजगंज को देखते हुए गोरखपुर में आया हूँ। निश्चित रूप से सभी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 39 दिनों से सरयू खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। 25 दिन से हमारी राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रोहिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जलस्तर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, जिसके कारण से बहुत सारे गाँवों में भी पानी गया है। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने सभी जगहों पर अच्छे ढंग से काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिन गांवों में लोग प्रभावित हुए हैं उनके सब तक हर तरीके की राहत सामग्री पहुंच रही है, दवाई की व्यवस्था हो रही है, NDRF, SDRF, नाव, स्टीमर, गोताखोर सब कुछ लगाए गए हैं और पूरी तरीके से सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अच्छी बात यह है कि प्रशासन के मुस्तैदी के कारण से कहीं पर कोई जनहानि, पशुहानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है और माँ सरयू के कृपा से, राप्ती मैया के कृपा से और नारायणी की कृपा से सभी बंधे सुरक्षित हैं और सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण से और पीछे के पानी के आने के कारण से बहुत सारे जगहों पर जल भराव है। निश्चित रूप से धीरे धीरे अब सरयू का जलस्तर घट रहा है, जैसे सरयू घटेंगी वैसे तेज़ी के साथ राप्ती और रोहिन भी घटेंगी और जो गाँव में पानी गया है वो निश्चित रूप से हटेगा और फिर से हम लोग आराम से सुरक्षित तरीके से रह पाएंगे।